सो हे गाइस, न्यूज़ बॉय हियर। तो सब हम बात करते हैं इलॉन मस्क वर्सेस इंडियन गवर्नमेंट के बारे में। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ट्विटर यानी कि एक्स को कुछ अकाउंट्स को ब्लॉक करने का ऑर्डर दिया था ना, रिलेटेड टू फार्मर्स दिल्ली चलो प्रोटेस्ट। आपको पता होगा अभी फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहे हैं, काफी सारे लोग उससे रिलेटेड ट्वीट्स करते हैं। तो उन्हीं में से कुछ अकाउंट्स को इंडियन गवर्नमेंट ब्लॉक करना चाहते हैं, यानी कि बैन करना चाहते हैं ना। तो उसके ऊपर एक्स यानी कि ट्विटर का क्या कहना है, वो बताए, इन कंप्लायंस विद द ऑर्डर्स वी विल विथहोल्ड दिस अकाउंट्स एंड पोस्ट्स इन इंडिया अलोन। यस, वो बताए कि वो जो इंडिया में विथहेल्ड करेंगे इन अकाउंट्स को, लेकिन वो डिसएग्री करते विद दिस एक्शंस। वो लिखे, वी डिसएग्री with these actions and maintain that freedom of expression should extend to these tweets. Also वो बताया कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर दिया कि कुछ अकाउंट्स को ब्लॉक किया जाए वो अभी पेंडिंग है। Also वो बताया, due to legal restrictions, जो इंडियन गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया वो हम पब्लिश नहीं कर सकते, बट हम बिलीव करते हैं कि उनको पब्लिक करना इज एसेंशियल फॉर ट्रांसपेरेंसी। दिस लैक ऑफ डिस्क्लोजर कैन लीड टू अ लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड आर्बिट्रेरी डिसीजन मेकिंग। बेसिकली उनका कहना है कि लोगों के पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। किसी ने ट्वीट कर दिया इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में फार्मर प्रोटेस्ट से रिलेटेड, वो तो लोगों का फ्रीडम है, वो कर सकते हैं। ट्विटर का वही कहना है ना, बाकी आप लोग क्या सोचते इसके बारे में कमेंट करके जरूर से बताना। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में, व्हाट्सएप के बारे में। तो व्हाट्सएप एक चीज को बैन करने वाले हैं। यस, आपको बताओ व्हाट्सएप में डीपी रहता है, उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो किसी का भी डीपी का ना। लेकिन अभी व्हाट्सएप टेस्टिंग कर रहे हैं टू बैन यूजर्स फ्रॉम टेकिंग स्क्रीनशॉट्स ऑफ ए प्रोफाइल पिक्चर। यानी कि कुछ दिनों बाद या फिर कुछ हफ्ते बाद आप व्हाट्सएप डीपी के स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते। ऐसा वो क्यों कर रहे हैं भाई, टू बूस्ट प्राइवेसी एंड एंटी हैरेसमेंट प्रोटेक्शन। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में, इमरान हाशमी के बारे में। तो आपको बताओ इमरान हाशमी को एक टैग लगा था सीरियल किसर का। यस, उनके पहले के मूवी जाते थे वहाँ पे हर एक मूवी में उनका सीन होता था किसिंग का। तो उसी से रिलेटेड जब उनसे पूछा गया था ना कि आजकल उनके फिल्मों में किसिंग सीन्स क्यों नहीं होते, तो वो कहते हैं ना उनके बीवी को थोड़ा सा इशू था इससे ना, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। वो कहते हैं, मैं शुरू से ही फिल्मों में किसिंग सीन्स कम करना चाहता था, बट मेरा इमेज ऑलरेडी वैसा बन चुका था एंड बहुत सारे प्रोड्यूसर्स ने उसका फायदा उठाया। जब मैं अपने फिल्में देखता हूँ तो मैं ऑनेस्टली फील करता हूँ कि कई जगहों में किसिंग सीन्स का जरूरत था ही नहीं, वो जबरदस्ती घुसेड़ा गया ना, जिसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी मिलता था। फिर वो बताते ना कि क्या उनके वाइफ को प्रॉब्लम था वो किसिंग सीन्स वगैरह से। वो कहते हैं कि ऑफ कोर्स उनको प्रॉब्लम था, लेकिन अभी नहीं है क्योंकि मैं वैसे टाइप के सीन्स अभी नहीं करता। उनका एक सीरीज आ रहा है, ठीक है, शो टाइम, वहाँ पे लेकिन किसिंग सीन्स है। तो उसके बारे में वो बताते हैं, अभी तक मेरे वाइफ ने वो शो देखा नहीं है, देखने के बाद थोड़ा इशू हो सकता है। और इमरान हाशमी से रिलेटेड एक और न्यूज है, तो ना कुछ स्पेकुलेशन किए गए थे कि इमरान हाशमी डॉन 3 में विलन का रोल प्ले करेंगे। तो उसका इमरान हाशमी क्लैरिफाई कर दिए, वो बताया कि उनको डॉन 3 मूवी कभी ऑफर हुआ ही नहीं था, तो वो विलन नहीं होंगे ना उस मूवी का, कोई और होगा। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में, डोमिनोज के वर्कर के बारे में। ये न्यूज बता दो, जापान से है, ठीक है, उनका वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ ना, डोमिनोज को सॉरी तक बोलना पड़ा। वो वीडियो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, वो अपने हाथ को नाक में डालते हैं जिससे पिज्जा बनता है, वहाँ पे वो अपना हाथ टच वगैरह कर देते हैं ना। वीडियो अभी आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, कितना ज्यादा गंदा है भाई। ऑफ कोर्स ऐसे ही वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ, बहुत ज्यादा बैकलैश मिला ना डोमिनोज को। वो एपोलोजाइज करते हुए बोलते हैं, वी डीपली एपोलोजाइज फॉर मेकिंग आवर वैल्यूड कस्टमर्स अनकंफर्टेबल। वो बताते हैं कि वायरल वीडियो में जो बंदा है वो पार्ट टाइम एम्प्लॉई है एंड उसको पनिशमेंट दिया जाएगा इन अकॉर्डिंग विद एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशंस। और जो उस वीडियो के पीछे जिन जिन बंदों का हाथ है उनको लीगल एक्शन भी फेस करना पड़ सकता है। और जो अपने एपोलॉजी में प्रॉमिस करते हैं कि ऐसा फ्यूचर में कभी नहीं होगा। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के बारे में जो कि मुंबई से है, उनका नाम है साक्षी, ठीक है, 4 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है, लेकिन इनको अभी काफी ज्यादा बैकलैश मिल रहा है। क्यों ना, एक पॉडकास्ट में वड़ा पाव को ट्रैश बोल देती है। वड़ा पाव आपको बताओ मुंबई के लोग बहुत पसंद करते हैं, बट वो ट्रैश बोल देती है। आप देखिए पहले, वड़ा पाव इज ट्रैश, लाइक आई हेट वड़ा पाव Yo. From the bottom of my heart. Are you not from Bombay? I am. So then what's your problem? It's just nostalgia. There's no way you think boiled potato and bread makes sense. Firstly, boiled then fried potato. Pav, not bread. Chutney. Okay, you'd slap chutney on anything and it's good. It's not unique to vada pav. You can put it on anything. Well, if I... Potato and bread is just not a combination that's ever worked and stop trying to make it happen. Iske baad kya tha? Kaafi sare comments hai, aap dekh sakte ho, unko criticize kiya ja raha hai. Vada pav is better than your accent. एक्जन लिखा था, शी इज ट्राइंग टू लुक कूल विद दैट फेक एक्सेंट एंड क्रिटिसाइजिंग इंडियन फूड, फॉरेनर की औलाद। एक्जन लिखा था, आई पिटी हर फॉलोअर्स। एक्जन लिखा था, आई कुड स्लैप चटनी ऑन हर एंड शी स्टिल वुडंट बी गुड। एक्जन लिखा था, आई एम नॉट इवन मराठी बट ए जातिया तुझिया आई छी जी। भाई एक गाली तो मेरे को समझ आ गया, बाकी जो मराठी में लिखा है सारे गाली है तो मेरे को मत बताना यार। और भी इस तरीके के बहुत सारे कॉमेंट्स है ना, बाकी आप लोग क्या सोचते हो वड़ा पाव के ऊपर, अगर आप मुंबई से हो या फिर आप मुंबई जाके वड़ा पाव खा चुके हो, कैसा लगता है आप लोगों को कॉमेंट करके जरूर से बताना। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में, फुकरा इंसान के बारे में। तो फुकरा इंसान बहुत जल्द अपने 10 सब्सक्राइबर्स को इंटरनेशनल ट्रिप पे लेके जाने वाले हैं। यस, इसके बारे में वो रिसेंट अपने व्लॉग में बताया ना, आप देखिए। जिंदगी प्यारी है, एंजॉय करनी चाहिए एंड इसलिए मैं मतलब अभी बैठे बैठे मेरे को आइडिया है कि मैं अपने किसी 10 सब्सक्राइबर्स को लेके जाना चाहता हूँ इंटरनेशनल ट्रिप पे। तो यस, ये वाली वीडियो हम पक्का बनाएंगे क्योंकि अपने सब्सक्राइबर्स की वजह से ही हम इतने मस्ती मजे करते हैं। तो मैंने सोचा है 10 सब्सक्राइबर्स को इंटरनेशनल ट्रिप पे ले जाने का, कैसा आइडिया? पहला मैं सब्सक्राइबर बनूं। तू तो हमारा वो हो गया ना, वो कहते हैं ना मैं परमानेंट हूँ सर, तेरे पे तो परमानेंट जगह है। बाकी 10 सब्सक्राइबर किसी लकी सब्सक्राइबर्स को जो
जिनके पास पासपोर्ट भी हो उनको पक्का लेके जाएगी, कुछ ऐसा प्लानिंग करते हैं। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में, हार्दिक पांड्या के बारे में। तो हार्दिक पांड्या का एक वीडियो अभी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, बेसिकली वो लीक हुआ वीडियो है ना, बहुत सारे लोग उसको स्क्रिप्टेड भी बोल रहे हैं। वो वीडियो बता दूं स्टार स्पोर्ट्स आईपीएल फिल्म शूट के दौरान का है, ठीक है आप देखिए वीडियो। सर खाना आ गया सर, ढोकला है, जलेबी है, पात्रा है सर। ये क्या है भाई, जलेबी कैसे खाऊंगा भाई, क्या ढोकला, ये सब क्या है भाई, फिटनेस करना होता है, ये कैसे करूंगा, ये कौन भेजा है? आज के दिन थोड़ा एडजस्ट कर लो सर। अरे भाई एडजस्ट नहीं होता है, कहाँ है मेरे शेफ और मेरे न्यूट्रिशनिस्ट, कहाँ है? तो थोड़ा लेट हो गया है सर, आपका खाना आ ही रहा है, आज के दिन जलेबी खा लीजिए सर, या पात्रा भी है। भाई कैसे करूंगा इसको, कैसे मैनेज, भाई क्या है ये, डायरेक्टर साहब को बोलो ये नहीं चलेगा। सर आप खा लीजिए वरना आपका स्टैमिना सर थोड़ा कम हो जाएगा। अरे भाई ये खा के मेरा स्टैमिना बिगड़ जाएगा। क्या सोचते हैं आप लोग इसके बारे में, स्क्रिप्टेड लग रहा है? मेरे को भी स्क्रिप्टेड ही लग रहा है, शायद से किसी चीज का हाइप बनाने के लिए है ना। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में, जॉन सिना के बारे में। जॉन सिना ने खोल लिया भाई अपना ओनली फैंस अकाउंट। ओनली फैंस आपको पता ही होगा यार, अगर नहीं पता तो क्या ही बताऊं भाई। अभी आप लोग सोच रहे होंगे जॉन सिना ने खोल लिया ओनली फैंस अकाउंट। यस भाई, जॉन सिना एक ट्वीट करते हैं लाइक यू हैव never seen me before, subscribe at the link in bio, and उन्होंने only fans को tag किया हुआ है। लेकिन जो उन्होंने only fans account create किया है ना, वो उन्होंने दूसरे नाम से खोला भाई, Ricky Stanicky। bio में लिखते हैं you have found the verified only fans account for Ricky Stanicky, renowned impersonator, philanthropist, investment banker, socialite, cancer survivor and method actor, subscribe to get spicy pics and videos। पता नहीं भाई वहाँ पे वो क्या डालने वाले, मैं तो subscription लेने वाला नहीं हूँ। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में, चुके शाहरुख खान के बारे में। तो शाहरुख खान का एक पिक्चर में काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, वो ना अपने छोटे बेटे अब्रम खान के स्कूल अटेंड किए थे, धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल, कुछ तो इवेंट था ना वहाँ पे। एंड वो फोटो में आप देख सकते हो शाहरुख खान एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स जमीन में बैठे हुए हैं ना। तो ये पिक्चर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है एंड काफी सारे उनको हम्बल बोल रहे हैं ना। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में, एक वायरल वीडियो के बारे में। वीडियो बता दो गाजियाबाद से, ठीक है। एक पुलिस कार एक कार का पीछा कर रहे हैं, जिस कार का वो पीछा कर रहे हैं वो रिवर्स में चला रहा है भाई। यस, पुलिस ने उस कार को रोकने का कोशिश किया था ना हाईवे में, बट वो नहीं रुके, इसके बाद पुलिस पीछा कर रहे थे ना। रिपोर्ट्स के हिसाब से गाजियाबाद पुलिस उस बंदे को पकड़ नहीं पाए। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में, जो अनंत अंबानी के शादी के बारे में, जो कि बहुत ही ग्रैंड होने वाला है। जो वहाँ पे गेस्ट आएंगे भाई बहुत ही अमीर अमीर लोग होंगे ना, इंक्लूडिंग बिल गेट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है, और जो मार्क जुकरबर्ग जो कि मेटा के सीईओ है, ब्लैक रॉक के सीईओ, लैरी फिंक, किंग एंड क्वीन भूटान के दोनों ही आएंगे, और भी काफी लिस्ट है ना, आप देख सकते हो पढ़ सकते हो। बता दो अनंत अंबानी का शादी हो रहा है राधिका मर्चेंट के साथ, जो कि वीरेन मर्चेंट की बेटी है। 12 जुलाई को मुंबई में ही होने वाला है ना शादी। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में, जो मोहम्मद शमी के बारे में। तो मोहम्मद शमी के फैंस के लिए एक बैड न्यूज है, तो आईपीएल 2024 नहीं खेलने वाले। यस, उनका लेफ्ट एंकल में इंजरी है ना, और उनका सर्जरी होगा यूके में। आपको बताओ वर्ल्ड कप के दौरान भी उनका इंजरी था, बट वो खेले, बट वो ये अभी आईपीएल वो मिस करेंगे ना। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में, जेवियर अंकल के बारे में। बता दो इनके काफी अच्छे खासे फॉलोवर्स है, ठीक है। इनका डीपी आप देख सकते हो, जो कि ऑफकोर्स फेक है, कौन है ये पता ही नहीं है भाई किसी को अभी तक। तो उन्हें एक ट्वीट किए थे, अगर डिवाइन इस ट्वीट का रिप्लाई करते हैं फिर मैं अपना आइडेंटिटी रिवील कर दूंगा, एंड उसका डिवाइन रिप्लाई कर भी देते हैं। लेट्स सी भाई, वो अपना आइडेंटिटी अगर रिवील करते हैं फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में, बॉबी के बारे में। एक डॉग है, ठीक है, जिसको कि बताया जाता था वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डॉग, उसका हाल ही में 31 years 165 days के बाद उसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का टाइटल भी मिला हुआ था। बट अभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बताया कि उनके पास कोई एविडेंस नहीं है टू सपोर्ट बॉबीज क्लेम एज रिकॉर्ड होल्डर, तो इसलिए बॉबी वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डॉग का टाइटल खो देता है ना। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में, तो एक प्रेग्नेंट वुमन के बारे में, जिनका की डेथ हो जाता है, जो बच्चा था पेट में उसका भी डेथ हो जाता है ना, क्यों, हस्बैंड के लापरवाही से। ये न्यूज़ बता दूं केरला से, ठीक है। वो जो हस्बैंड है वो इंसिस्ट करता है ना कि बच्चे को घर में ही पैदा करेंगे। जो हस्बैंड है उसका नाम है नयास, ठीक है। वो ना अपनी वाइफ को फोर्स करता है बच्चे को घर में ही पैदा करने के लिए ना, वो सब वो कैसे किया यूट्यूब पर वीडियोस देख के। वो हस्बैंड वाइफ को हॉस्पिटल ले जाने से मना करता है ना, इसके बाद क्या था, खुद डॉक्टर बनने का कोशिश किया, वाइफ एंड बच्चा दोनों का ही हो गया ना। अब यार मैं तो ज्यादा क्या बोल सकता हूँ, मे देयर सोल रेस्ट इन पीस। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में, रिया चक्रवर्ती के बारे में। तो रिया चक्रवर्ती के अगेंस्ट में लुकआउट सर्कुलर्स इशू किए गए थे, ठीक है। मतलब कि वो इंडिया के बाहर नहीं ट्रैवल कर सकती थी विदाउट परमिशन फ्रॉम द कोर्ट। सिर्फ उनके ऊपर नहीं, उनके भाई के ऊपर भी लुकआउट सर्कुलर्स इशू किए गए थे। क्यों, वो तो आपको पता ही होगा, सुशांत सिंह राजपूत के केस से रिलेटेड। तो अभी कोर्ट ने बता दिया कि लुकआउट सर्कुलर्स का जरूरत नहीं है उनके ऊपर, मतलब कि वो दोनों ही अभी इंडिया के बाहर ट्रैवल कर सकते हैं बिना परमिशन के कोर्ट के। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में, स्टारबक्स के बारे में। तो स्टारबक्स को अभी काफी ट्रोल किया जा रहा है, उन्होंने एक न्यू ड्रिंक लॉन्च किया, ठीक है। वो ड्रिंक क्या है, पॉर्क फ्लेवर्ड कॉफी। ऐसा उन्होंने क्यों किया, टू सेलिब्रेट चाइनीज न्यू ईयर। देख सकते हो भाई कॉफी है ना कैसा दिख रहा है। इसके बाद क्या था, काफी ज्यादा ही ट्रोल किया जा रहा है, कुछ कुछ कमेंट्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। बाकी आप लोग क्या सोचते हो ये ड्रिंक के बारे में, क्या आप लोग पियोगे, कमेंट करके जरूर से बताना। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में, लक्ष्य चौधरी के बारे में। तो लक्ष्य चौधरी का वीडियो फाइनली ट्रेंडिंग पर आ गया। यस, रिसेंटली जो वीडियो अपलोड किया था ना वो ट्रेंडिंग पर आ गया यूट्यूब के। वो कहे चलो यूट्यूब को याद आया, कभी कभी हमें भी ट्रेंडिंग में डालने का। तो चलिए अगली
अपडेट के बारे में बात हुई यो हनी सिंह के बारे में। तो यो हनी सिंह का आपको बता होगा बहुत साल पहले एक सॉन्ग आया था उर्वशी रौतेला के साथ लव डोज, जो कि काफी ज्यादा वायरल हुआ था ना उस टाइम पे। तो अभी उसका पार्ट टू आ रहा भाई, लेकिन उसका नाम लव डोज टू नहीं होगा, उसका नाम कुछ और है, नाम होगा विगड़िया हीरा। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात हुई समिता शेट्टी के बारे में। बता दो ये शिल्पा शेट्टी की बहन है, ठीक है। तो इनके एक इंस्टाग्राम पोस्ट में एक बंदे ने कॉमेंट किया था, बेसिकली मजाक उड़ा रहा था ना क्योंकि समिता शेट्टी का शादी नहीं हुआ। तो समिता शेट्टी उसका रिप्लाई करती है, आई वॉन्ट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू रिस्पॉन्ड टू दिस वेरी काइंड लेडी ट्राइंग टू पुट अनदर वुमन डाउन फॉर नॉट बीइंग मैरिड। कुडोस टू यू फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मिशन अनसक्सेसफुल। गेटिंग मैरिड इज नॉट द ओनली पर्पज आई हैव इन लाइफ। बीइंग हैप्पी एंड कंटेंट एंड इंडिपेंडेंट इन लाइफ विद ग्रेटिट्यूड इन माय हार्ट ऑलवेज इज लव। विशिंग यू अ लॉट पॉजिटिविटी इन योर लाइफ एंड होप यू नेवर ट्राई टू पुल अनदर वुमन डाउन अगेन। इफ यू हैव नथिंग नाइस टू से टू पीपल, बेस्ट टू जस्ट कीप क्वाइट। तो बस आजकल बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।